और दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व हैंग प्रॉब्लम। मोबाइल बहुत लैग कर रहा है, कोई काम कर रहे हो लेकिन मोबाइल बार बार अटक जाता है, कोई एप्लीकेशन ठीक से ओपन नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे फ़ोन का हैंग प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। नंबर 1, फ्री अप स्टोरेज। कोई भी फालतू की ऐप इंस्टॉल ना करें जो मोबाइल के लिए ज़रूरी ना हो या जिससे आप इस्तेमाल नहीं करते हो। अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है तो आप तुरंत उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, इससे आपका इंटरनल स्टोरेज फ्री रहेगा। दोस्तों, फ़ोन डेली इस्तेमाल करने से इसका इंटरनल स्टोरेज बढ़ने लगते हैं। जो इंटरनल स्टोरेज दी गई है वो कम से कम 5 या 6 GB फ्री रखिए। या फ़ोन सेटिंग्स के अंदर अबाउट फोन में जाके स्टोरेज स्पेस चेक कर सकते हैं। हफ्ते में 1-2 बार फ्री ऐप पे टैप करके फ़ोन का कैच फाइल क्लीन कर लेना। नंबर 2, रैम सेटिंग्स। फ़ोन लैग करने के पीछे रैम स्टोरेज का अहम भूमिका होते हैं। इंटरनल स्टोरेज के साथ साथ रैम स्टोरेज भी फ्री रखना चाहिए। या रिसेंट ऐप लिस्ट ओपन करके जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहा है उसे क्लोज कर दीजिए, इससे रैम मेमोरी फ्री हो जाएगा। इसके साथ साथ वर्चुअल रैम का जो नया फीचर्स आया है उसका भी फायदा ले सकते हैं। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करके या फाइंड करना है मेमोरी एक्सटेंशन। अब इस इंस्टेंशन पर क्लिक करते ही सीधा वर्चुअल रैम सेटिंग्स पर चले जाएंगे। यहाँ 2 GB से लेकर 5 GB तक रैम बढ़ा सकते हैं। रैम स्टोरेज चूज करने के बाद डिवाइस रिबूट करना होगा, फिर रैम स्टोरेज बढ़ जाएगा। दोस्तों, हमारे फ़ोन में कई ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो अपने आप चालू हो जाते हैं और बैकग्राउंड में कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो इसको रोकने के लिए एक सेटिंग्स करना पड़ेगा। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करके अबाउट फोन में जाइए। अब MIUI वर्सन के ऊपर 7 times टैप करना है। इसके बाद डेवलपर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अब सर्च बार पे फाइंड करना है डेवलपर ऑप्शन। इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते ही सीधा डेवलपर सेटिंग्स पर चले जाएंगे। डेवलपर मोड ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाइए। इसके बाद विंडोज एनिमेशन स्केल 0.5x, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल 0.5x एंड एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल 0.5x सेट करना होगा। इससे एप्लीकेशन जल्दी खुल जाएगा। फिर से स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाइए। यह आपको एक सेटिंग्स देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। यह बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लिमिट सेट रहते हैं। यहाँ से चेंज करके अगर नो बैकग्राउंड प्रोसेस रखेंगे तब बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। इससे अच्छा आप 2 प्रोसेस सेट रखिए, मतलब बैकग्राउंड में एक साथ मैक्सिमम 2 एप्लीकेशन ही चलेगा। नंबर 3, सॉफ्टवेयर अपडेट। दोस्तों, ब्रांड की तरफ से जो सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं उससे अपना फ़ोन अपडेटेड रखिए। फ़ोन अपडेट करने के लिए अबाउट फोन में जाके MIUI के ऊपर टैप करना है। यहाँ से डिवाइस का कोई लेटेस्ट अपडेट आया कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर के अंदर एक ऑटो अपडेट वाला फीचर्स बंद करना पड़ेगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद प्रोफाइल आइकन पर टैप करके सेटिंग्स में जाइए। इसके बाद नेटवर्क प्रेफरेंस टैप ओपन करना है। यहाँ ऑटो अपडेट या बाय डिफॉल्ट ओवर एनी नेटवर्क सेट रहते हैं, आप इसे चेंज करके डोंट ऑटो अपडेट सेट कीजिए। दोस्तों, इन सभी सेटिंग्स को फॉलो करने के बाद मोबाइल बहुत फास्ट हो जाएगा। पहले जिस तरीके से लैग हो रहा था वो अब नहीं होगा। अगर इसके बाद कभी कभी मोबाइल हल्का लैग करता है तो अपना मोबाइल रिबूट कर सकते हैं। साइड में दी गई पावर बटन दबा के फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। दोस्तों, फ़ोन हैंग करने के पीछे और भी कई सारे वजह हो सकते हैं। अगर फ़ोन का प्रोसेसर बेकार है तो फ़ोन लैग करेगा ही करेगा, आप कुछ भी कर लें। इसलिए फ़ोन खरीदते समय अच्छा प्रोसेसर वाला फ़ोन लेना चाहिए। अगर आप काफ़ी टाइम से गेम खेल रहे हो या फ़ोन में हेवी काम चल रहे हैं जिसकी वजह से फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, स्थिति में सभी टास्क बंद करके फ़ोन को थोड़ा ठंडा कर ले। जैसे जैसे प्रोसेसर गर्म होगा फ़ोन और भी हैंग करने लगेगा। नंबर 4, फैक्ट्री रीसेट। दोस्तों, वीडियो में बताया गया सभी प्रोसेस फॉलो करने के बाद अगर हैंग प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो इस फ़ोन को एक बार फैक्ट्री रीसेट कीजिए। फैक्ट्री रीसेट मतलब फ़ोन को फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब फोन सेटिंग्स ओपन करके या फाइंड करना है फैक्ट्री। इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते ही सीधा फ़ोन रीसेट ऑप्शन में चले जाएंगे। फैक्ट्री रीसेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ोन में जितने सारे फोटो, वीडियो, जीमेल अकाउंट, इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर है उन सभी डेटा का बैकअप ले लीजिए या पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लेना, क्योंकि रीसेट करने के बाद सारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इरेज़ ऑल डेटा पर क्लिक करके 2 बार कन्फर्म करते ही डिवाइस रीसेट होना शुरू हो जाएगा। फैक्ट्री रीसेट करने से पहले की तरह फ़ोन नया जैसा हो जाएगा और अगली कुछ महीने तक आपके फ़ोन में कोई लैग नहीं होगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।